श्री कृष्ण श्री वल्लभाधीश की जय। आज हम लोग ठाकुर जी के लिए धोती बनाएंगे। धोती के लिए पहले आपको पहले मास्टरपीस कैसे बनाना है वो सीखना चाहिए, क्योंकि मास्टरपीस अगर आपको बनाना आएगा तभी आप धोती बना पाओगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको मास्टरपीस बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी की लेंथ के मुजब करेंगे। अगर हमारे ठाकुर जी की कमर से लेके चरण तक की लेंथ 4 इंच है, 3 इंच है, उसी के मेजरमेंट से हमें धोती बनानी है। तो अभी मैं 4 इंच की 4.5 इंच की धोती बनाती हूँ। सबसे पहले हमें 4.5 इंच का स्क्वेयर बनाना है। ये मैंने 4.5 x 4.5 इंच का स्क्वेयर बॉक्स बनाया है। अब हमें ये साइज और ये साइज ऐसे ही रखनी है। ये साइड पे मैं 4.5 इंच की ये लेंथ है तो मैं 2.5 इंच में आपको मार्क करना है। 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच और फिर 2.4 यहाँ, 2.45 इंच यहाँ। तो ये जो है एल शेप है वहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये जो एल शेप है तो 2.5 इंच इधर से मार्क करना है और 2.5 इंच इधर से मार्क करना है। और फिर आपको ये जो कॉर्नर है ना वहाँ से 1 इंच ऐसे मार्क करना है, यहाँ से कॉर्नर में से लेकर ये 1 इंच तक का। और फिर हमें ये राउंड करना है। फिर हमें ये कट करना है, ये नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ कट करना है। ये मैंने कट किया है। और फिर ये धोती का पहला पार्ट है, अब ये दूसरा। इसके लिए हमें यहाँ 2 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये 2 सेंटीमीटर। और ये ठाकुर जी की जो धोती की लेंथ 4.5 इंच है तो ये हमें 1 इंच बढ़ाकर 5.5 इंच करनी है। यहाँ पहले मिडल में हमें मार्क करना है। इसमें मेजरमेंट पहले जो मास्टरपीस बनाओ ना तो उसका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट लेना है। ये मास्टरपीस एकदम परफेक्ट बनेगा तो आपकी ठाकुर जी की धोती भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और यहाँ एक मार्क करना है, ये 5.5 इंच का है और बीच में ये लाइन खींचनी है। बाद में यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे मार्क करना है नीचे से। और फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर था तो हमें यहाँ 1 इंच, ये जो मैंने मार्क किया है ना वहाँ स्केल रखकर यहाँ 1 इंच करना है। और फिर ये लाइन और ये लाइन दोनों को जॉइंट करनी है, सेम उसी तरह सामने वाली साइड भी। और फिर ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ जॉइंट करना है। फिर हमें ये कट करना है, ये बीच वाली लाइन ऐसे आप इरेज कर देंगे। ये ठाकुर जी के धोती के आगर जो पट्टा रहता है ना ये उसी का मास्टरपीस है। फिर हमें ये कट करना है। अब हम लोग ठाकुर जी के जो धोती के साथ पटुका है ना उसी का मास्टरपीस बनाएंगे। 4.5 इंच की धोती थी तो हमें पटुका हम 10 इंच का बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले 10 इंच का मेजरमेंट लेके एक सीधी लाइन खींचनी है। फिर
फिर यहाँ हमें 1.5 इंच का मेजरमेंट लेना है। ये जो बीच में लीटी है ना, वो एकदम बीच वाली जो ये मार्क किया है ना लाइन का, वो हमें बीच में लेना है। ये 1.5 सामने, उसी तरह 1.5। फिर हमें 10 इंच की लाइन खींची थी तो मिडल में हमें 5 इंच में मार्क करना है, और यहाँ हमें 1 इंच का, ये 1 इंच की लाइन खींचनी है। फिर मैं ये लाइन से ये लाइन को जोड़ूंगी, बाद में ये लाइन, सेम उसी तरह सामने वाली साइड। पट्टू का आपको जितना लंबा करना है या फिर थोड़ा शॉर्ट करना है वो आपके ऊपर और आपके स्वरूप की लेंथ पर डिपेंड है। ये मैंने 10 इंच का किया है, आप इसमें 8 इंच का भी कर सकते हो, 6 इंच का भी कर सकते हो और 12 इंच का भी कर सकते हो, जितना आपको लंबा और शॉर्ट करना है वो आप कर सकते हो। फिर मैं ये कट कर लूँगी, ये हो गया पटुका का मास्टरपीस और ये दोनों धोती का। अब मैं ये फैब्रिक पर रखकर कैसे ड्रॉ करके कटिंग करना है वो मैं बताती हूँ। ये मैंने उष्णकाल का है इसलिए मैंने एकदम लाइट कलर लिया है। मैंने जब मैं पाग बनाती थी और पिछोड़ा के लिए भी मैंने बोला था, फैब्रिक में आपको जो भी वस्त्र का कटिंग करना है या बनाना है आपना ये पट्टी ध्यान में रखना, आपको ये एकदम सीधा फैब्रिक ही रखना है। अगर ऐसे आप टेढ़ा रखोगे तो आप फिनिशिंग वस्त्र में नहीं आएगा। तो आप याद रखो, आपको अगर पता नहीं चलेगा कि सीधा किसे कहते हो और टेढ़ा, तो आपको ये पट्टी याद रखनी है, ठीक है। अब मैं ये जो पहला पार्ट है धोती का, ऐसे में ड्रॉ करना है, ये दोनों साइड जॉइंट करनी है। इस तरह से ये मैंने किया। फिर यही, ये जो इस तरह से मैंने ये कागज रखा था ना मास्टरपीस, हमें उल्टा करके ऐसे रखना है, और ये जो ये लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों को जॉइंट करके हमें ड्रॉ करना है। देखो पहले मैंने ऐसे रखा था, बाद में उल्टा करके ऐसे कर दिया, और फिर आगे का जो पट्टा है ना वो ड्रॉ करना है। ये आगे का बेल्ट है उसका मैंने ड्रॉ किया है, अब मैं पटुका का करूँगी। ये सब मैंने ड्रॉ कर लिया है मास्टरपीस। अब हम यहाँ लेस लगाएंगे। उष्णकाल है तो सिल्वर लेस भी चलेगी और ये कॉटन की आती है तो ये भी चलेगी, तो आज हम कॉटन की लगाएंगे। अब धोती में कहाँ से कहाँ आपको लगानी है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये पूरी साइड पे आपको नहीं लगानी है। देखो यहाँ हमें डेढ़ इंच हमें जगह रखनी है, यहाँ मैंने डेढ़ इंच मार्क किया है, आप दो भी रख सकते हो, डेढ़ भी रख सकते हो, मैं यहाँ दो रख रही हूँ। तो इस पार्ट में हमें लेस नहीं लगानी है, ठीक है।
यहाँ से लेके यहाँ और फिर ये पूरे के पूरी यहाँ। अभी लेस लगाने के बाद में आपको बताती हूँ कि कितनी लेस लगानी है। देखो ये मैं ग्लू से लेस को चिपका रही हूँ। आपको स्टिच करना है तो स्टिच कर सकते हो, क्योंकि कई घरों में ग्लू अलाउड नहीं है। अभी सिखाना है इसलिए मैं ग्लू करती हूँ, लेकिन आप सुई धागे से ये स्टिच भी कर सकते हो। देखो ये मैंने लेस लगाई है। ये जो पहले हमने ड्रॉ किया था ना, तो हमें पूरे जो हमने लाइन की वहाँ पे हमें लेस नहीं लगाना है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा पूरी लाइन ली और ये मैंने आधी यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। और फिर ये जो सामने वाली लाइन है उसमें भी हमें आधे ही लेस लगानी है, पूरी नहीं लगानी है, ठीक है। और ये पटुका में पूरी लगानी है और आगे आगे का जो बेल्ट है उसमें भी पूरी लगानी है, फिर हम ये लोग कट कर लेंगे। देखो ये मैंने कटिंग कर लिया, आप अच्छी तरह से देखें कि मैंने ये जो धोती का मास्टरपीस था उसका कटिंग कैसे किया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। फिर अब ये जो मैं जो ये बीच वाली लाइन है ना, ये लाइन से लेकर यहाँ तक हमें सुई धागे से उसको स्टिच करना है। देखो यहाँ ऐसे मैंने जॉइंट किया है और फिर आपको देखो ये मैंने स्टिच कर लिया, इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये जो बीच ये लाइन है ना, वहाँ में छोटे छोटे फोल्ड करना है। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर ही जगह छोड़नी है यहाँ से यहाँ तक, फिर छोटे छोटे 3 फोल्ड करने हैं इस तरह। ये पहला फोल्ड, ये दूसरा और ये तीसरा। आप यहाँ स्टिच भी कर सकते हो, अभी मैं ग्लू से चिपका देती हूँ। मैंने चिपका दिया, आप सुई धागे से स्टिच करना है तो आप कर सकते हैं। सेम उसी तरह सामने वाली साइड भी करना है। देखो दोनों साइड मैंने 3-3 फोल्ड किए हैं छोटे छोटे। अब बीच में फोल्ड करना है, ये जो हमने स्टिच किया ना बीच वाले पार्ट में, तो यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर जगह करके छोड़ देना है, फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ हमें स्टिच करना होगा सुई धागे से। फिर ये दूसरा फोल्ड करके फिर हमें तीसरा 3 फोल्ड करना है। 3 फोल्ड काफ़ी है। अगर बड़ी धोती है 10 इंच की, 12 इंच की, 15 इंच की, तो आप यहाँ 4 या 5 फोल्ड कर सकते हो। फिर यहाँ हमें एक गांठ लेकर काट देना। देखो ये 3 फोल्ड हो गए। और फिर ये जो हमने आधी लेस लगाई थी ना, यहाँ जो प्लेन वाला भाग है वहाँ ग्लू कर देती हूँ। आप चाहो तो सुई धागे से स्टिच कर सकते हो। और फिर ये जो तुई वाला भाग का नीचे का जो पार्ट है वहाँ हमें चिपका देना है,
देखो ये मैंने ऊपर वाले पार्ट में ग्लू लगाया है और ये जो तुई की नीचे का जो पार्ट है ये वो सामने वाले पार्ट में चिपका देना है इस तरह से, तो ऐसे वो जॉइंट हो जाएगा। और फिर आपने ग्लू लगाया है तो थोड़ी देर 5 मिनट आपको सूखने देना है। बाद में ये जो हमने फोल्ड किया है ना, वहाँ अच्छी तरह से जो आगे का कपड़ा है वो पीछे के कपड़े के साथ जॉइंट करना है। अभी मैं ग्लू से चिपका देती हूँ। आप चाहो तो मशीन से सिलाई कर सकते हो या हाथ से सिलाई कर सकते हो। ये जो बीच वाला जो वी शेप है ना, वो एकदम मिडल में आना चाहिए। ये भी एकदम लेवल टू लेवल आना चाहिए। देखो ये लेवल टू लेवल, और ये जो बीच वाला पार्ट है ना वो भी एकदम मिडल में आना चाहिए। इस तरह से। और जो हमने एक बेल्ट बनवाया था, यहाँ हमें पीछे ग्लू करना है। और ये एकदम मिडल में चिपकाना है। और यहाँ भी दोनों साइड एक ही जैसा मेजरमेंट होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और फिर हमें यहाँ ग्लू लगाकर लेस चिपकानी है। ये साइड हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ये साइड अच्छी तरह से चिपकानी है। जितनी इस ये साइड रखी है उतनी ये साइड भी रखनी है। थोड़ी ज़्यादा रखोगे तो भी कोई बात नहीं। और पीछे ना ऐसे चिपका, और फिर यहाँ जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको काट देना है। एकदम फिनिशिंग। देखो ये हो गई धोती। अगर आपको ये ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकदम खुला पार्ट है, तो यहाँ ग्लू लगा कर या सुई धागे से सिलाई करके इसको इसे पैक कर देना है। पूरा पैक नहीं करना है, आप चाहो ना, ये मैंने अभी थोड़ा सा ही किया है क्योंकि यहाँ थोड़ी ज़्यादा लेस लग गया, आपको आधा ही लेस लगाना है। तो आप यहाँ तक आधे तक स्टिच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ इतना जो आधा आधा पट्टा ही ये खुला रखना है, आधा आपको पैक कर देना है। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। ये देखो ये धोती रेडी हो गई। और फिर ये पटू का, अभी मैं ठाकुर जी को पहना के आपको दिखाती हूँ। देखो ये ठाकुर जी थोड़े छोटे हैं, धोती थोड़ी बड़ी है तो थोड़ी बड़ी होगी। इसे इस तरह से आपको अगर दोनों साइड डोरी बांधनी है तो ये साइड और ये साइड कॉर्नर पे आपको कोई भी डोरी बांध देनी हो। अगर लगाव करना है तो ये पीछे लगाव करके इसे चिपका देना है, वरना डोरी है तो यहाँ से लेकर और यहाँ से पीछे ठाकुर जी को बांध देना है, ठीक है। ये ठाकुर जी को बड़ी है। इस तरह से धोती रेडी है। अगर आपको फिर भी ये वीडियो में मैंने जो बनाया उसमें कुछ समझ ना पड़े या फिर
कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।